खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वलीमा तकारीब में स्टार्टेड के लिए हुआ जोरदार झगड़ा। मामा के वलीमे में भांजे को बवर्ची ने किया जोंदो को। ये अजीब खबर है बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद से, जहां मीडिया को तफसील बताते हुए जख्मी भांजे ने बताया कि मामू के वलीमे में इन्होंने बवर्ची से स्टार्टेड मांगा, इसी पर दोनों की बहस हुई। बवर्ची ने झगड़े के बाद अपनी पूरी गैंग को बुलाया और भांजे, इनके वालिद और इनके दोस्त पर हमला किया। नफीस गार्डन में हो रही धूमधाम की इनके मामा की वलीमा खुशियों के साथ की तकारीब स्टार्टेड के लिए मारपीट में तब्दील हो गई। की गैंग के 40 से 50 अफराद चाकू रॉड से हमला किए, चार अफराद इसमें जख्मी हुए। इस हमले के दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। जख्मियों ने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जख्मियों को MLC के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आइए सुनते हैं इसके मजीद तफसीलात जख्मी भांजे की जुबानी हमारे नुमाइंदे झांगी की ये खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल SKM 91 न्यूज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हबीब मोहम्मद हसन अल हामिद है, मैं चनानगुट्टा बारगेस पर रहता हूँ, यहाँ पर सिंपल गन। हम लोग फंक्शन में गए थे, हमारे दोस्त के वाली साहब पे अटैक करे तो अंदर कुछ बात पे से बहस हुई थी, उनके कुछ बोले तो अंदर से समझा के हम लोग को बाहर भिजा दिए थे। हम लोग बाहर खड़े हुए थे तो चार पाँच जने आए थे, जो बच्चे उनको हम लोग नहीं पहचानते वो बोर्चियाँ बोल रहे हैं। वो चार पांच जने आए थे, उनके कमर में चाकुआ थे, चारों के कमर में, एक के हाथ में रॉड था, स्टील का रॉड था। हम लोग खड़े हुए से फिर हल्लू आए, एकदम भीड़ जमा होना शुरू हुई, हम लोग पे अटैक करे डायरेक्ट। वो जो भीड़ जमा हुई उसमें से किसी को भी पहचानते या कोई दुश्मनी थी आप लोग? नहीं, दुश्मनी कुछ भी नहीं थी। हम लोग खुद फोन आ करके बुला के ये और ये मारते खुद, ये भी बोल रहे थे तुम लोगों को जान से मार देते, अब छोड़ दे रहे हैं, जान से मार देते, मिले खुद बाद में बोले। वो जो मारने वाले जितने भी थे उसमें पूरे जने बोल रहे हैं, और मेरे को चाकू से गर्दन पे मारे और स्टील के रॉड से हाथ पे कमर पे फसली पे मारना शुरू करे। टोटल कितने लोग मिल के मारे आपने? कम से कम 40 से 50 आदमी थे। 40 से 50 आदमी थे। उनको यहाँ स्टील के रॉड से उनको आँख पे मारे, मुंडे पे मारे, बैक पे मारना शुरू करे हम लोगों। तो जब मार रहे थे और इनका दांत भी तोड़ दिए मार के, अंकल का दांत भी तोड़ दिए मार के पूरा। तो ये हादसा कहाँ पे हुआ? ये बल्लागुड़े पे हुआ, राजिंग सन स्कूल के चौरसे पे। तो आप पुलिस में कंप्लेन दी इसकी? हाँ जी, आप बल्लागुड़ा PS में कंप्लेन दी हम लोग। जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे CCTV कैमरा है वहाँ पे? आई थिंक है लगे हुए, कंफर्म नहीं हूँ मैं ये चीज़ से। ये शादी खाने से हुआ साहब ये झगड़ा? मैं स्टार्टर लेने गया, बबुरची क्या बोला मेरे को, कैसा लेते भाई आप, हमारा बुटलर है। बोला बुटलर देना था, मैं देना उतना अच्छा बोला। मैं बोला मेरे चिच्चा बोल के लेगा के दिया, मैं नहीं तो नहीं देता था। बोला तो मेरा बच्चा क्या कहीं के ऊपर है भाई, आप ऐसा नहीं बोलना ना, गलत तरीका है। तू कौन होता है बोल के मेरे बच्चों को ढकेल के मारना शुरू कर दिया। हाँ मेरे सामने मारे था बच्चे को। तो हमारा साला क्या बोला, जान दे भाई जान, अपना ही घर का मसला है ना, कहीं को लड़ाई बढ़ाते तुम ना, चले हो बाहर थोड़ी हो गया, गुस्सा ठंडा हो जाता, तुम भी गर्म उन्हें भी गर्म, बोलो नहीं होता तो हम ना जाके आटो में बैठते कि 1 से 4, 5, 4, 5, 50, 60 बच्चे जमा हो गए आटो गन मिलते कि हमला शुरू करें। जो हमला करे वो लोग क्या कुछ नशे में थे? नहीं, नशे के गोलियां खाते, गांजा मारने वाले, रात तमाम रेलवे पटरी पर फिरने वाले। बोला तो आप लोगों में से किसी को पहचानते? नहीं, बबोर्ची को पहचानते, बबोर्ची हमारा चदमी हो, समीर है, ओट्टापल्ली पटेल के होटल का नेता। हाँ हाँ, क्या बोल रहा, किसको बुलाते, बुला लो एक को मिला के काटनी लगा देता हूँ, टुकड़े टुकड़े बना के पटरियों पर फेंक देता हूँ। बोल रहा साहब बोले पुलिस में कंप्लेंट में बोले? हाँ बोले साहब। क्या बोले पहले इसलिए वो तो निकाल लो आप रिपोर्ट जाके, MLC निकाल लो। लोगों में से कितने लोग जख्मी हुए? हम लोग चार जने हैं। वही देखिए, मैं शुरू में दावत में मसरूफ था, मेरे को आवाज़ आए बबरची खाने से, मसरूफ था भाई, किचन से आवाज़ आ रहे थे लड़े झगड़े के। मैं जाके देखा तो अब वालिद साहब की और बबरची की बहस चल रही थी, वालिद साहब के ऊपर गाली गलौज शुरू हो गई थी। तो मैं बोला क्यों मार रहे, बोले तो ढकल के मारने के लिए है। उसके बाद तो वालिद साहब की उनकी झगड़ा हो गया, उसके बाद मामू हमारा मामू लंग आए, आके बातचीत करे, खामोश बिठा दिया उसको। मामा बोले बाहर लेके जाइए, वालिद साहब को बाहर लेके गया, हम ना चाय पी के वहाँ बैठे हुए थे। उतने में ऐसा उन्हें थोड़े थोड़े करके पहले चार पांच ऐसा बच्चों को बुलाया बबरची वाला, उसके बाद उन्हें हल्लो अंदर बाहर निकला, गेट में से निकलते ही इशारा करा उन्हें, एक एक करके पूरे आके घेर लिए। तो आप लोगों में से कोई उन लोगों को पहचानते थे क्या आप लोग? नहीं भाई, नहीं पहचानते किसको भी।
नहीं कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। मेरे मामू का वलीमा था वही। आपके मामू का वलीमा था जी। तो कहाँ के रहने वाले मामू? यहाँ खींचे अपने शहीनगर इंजन बोली। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education, has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehendipatnam, Hyderabad.